फिर से एक गीत साथियों आप लोगों के बीच में, यह चर्चा का विषय है। पूरे देश का विदेशों में इस मैटर का हाहाकार मचा हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्या कवि जी चार लाइन भूमिका लिखते हैं, समाज कैसा है। नारी की भूमिका इस समाज में क्या है, नारी के प्रति कवि जी ने दर्शाया है। क्या दर्शाया है मास्टर? कुल की मूल स्तंभ नारी जगत में, गर्व गरिमा की सूचक कहती है नारी। पर इनकी अदा को खुदा भी न जाने, नयन नक्शों की जादू चलाती है नारी। वासना के कर्म में धर्म भूल कर, खुद कलीले अली को दिरुसवाया। मांग मन्नत खुदा से साहब सदा, कुलटा की मिले न परछाया। मांगे मन्नत खुदा से साहब सदाम, ऐसी कुलटा की मिले न परछाया। कवि जी एक लाइन गजल का लाइन लिख ले हूं। कि तुझे भूलना कि तुझे भूलना तो चाह लेकिन भूला न पाए तुझे। भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। लेकिन कबीर जी ने विरह में भाव लिखा है, यह भारत की धर्मधारी धरती है। नारियों का सम्मान कैसा है, इस धरती पर कैसी कैसी नारियां हुई थी, लेकिन आज उसी धरती पर एक या भी नारी है जो पूरे समाज को गंदा कर दिया, कवि जी की लेखनी संकेत करती है। सतियों की इस धारा पर सतियों की इस धारा पर रोती सदा समाधि। सतियों की इस धरा पर रोने लगी समाधि।
ज्ञान की लाइन से शुरुआत मास्टर। हिंद में नारियों की देवी की उपाधि है, देवी गवाही यहाँ सतियों की समाधि है। मधु से मीठा पति पत्नी का ये रिश्ता है, पत्नी तो देवी तो पति देव जन फरिश्ता है। एक ही मछली गंदा कर देती सरोवर को, एक ही मछली गंदा कर देती सरोवर को, सौरभ की भूखी नारी मिटाई धरोहर को। कहानी बा कहवा को, इलाहाबाद जहाँ धूमनगंज थाना है, इलाहाबाद जहाँ धूमनगंज थाना है, आलोक मौर्य का झलवा में आसियाना है। दो हजार नौ में किस्मत को आजमाए हैं, प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी पद पाए हैं। बनारस चिरई गांव की ज्योति कुमारिया से, बनारस चिरई गांव की ज्योति कुमारिया से हुई है शादी, खुशी झलकला बखरिया में। बात के समझ ला बाबू, इलाहाबाद प्रयागराज शहर में धूमनगंज थाना, धूमनगंज थाना के अंतर्गत झलवा गांव का रहे वाला आलोक मौर्य। गरीबी में परिवार बाप, शिक्षा दीक्षा भइल, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कैलन। 2009 में सफाई कर्मी का नौकरी मिल गई। अच्छा, जहां कुछ और ठेकाना रहल कुछ भइल, तो 2009 बीतल, साल भर के बाद 2010 आइल। बनारस जिला के चिरई गांव का रहे वाली ज्योति मौर्य से शादी होती बा लोग को। शादी जब हो गई, अब तो बड़ा खुशी का माहौल बा। एक लाइन गीत लगल मास्टर। थारिया बलम गई लजारिया पहुँचल किनारेदल थारिया बलम गई लजारिया पहुँचल किना, उठ ही में लहारिया पहुँचल किना। बिरहा में भाव कवि जी लिखतन, चंदा मगन पाके पूनम की अजोरिया बखरिया मेला। चंदा मगन पाके पूनम की अजोरिया बखरिया मेला, आज प्रेम के मसूरिया बखरिया मेला। ए बाबू, बड़ा खुशी का माहौल बा। ज्योति की ज्योति से जगमग घारा, ज्योति की ज्योति से जगमग घारा, पति का प्यार सास ससुर के दुलारा। दिल की अभिलाषा कहे हो, दिल की अभिलाषा कहे, पति से गुजरिया बखरिया मेला।
बसुरिया बखारिया मेला अरे बाबू ज्योति मौर्या दुल्हन बन के आ गई लिया लोग के घरे। कुछ दिन बीतल ज्योति मौर्या आलोक से कहले की पतिदेव हमार हार्दिक इच्छा बा कि हम पढ़ती पढ़ने में तेज तराक थी। आलोक मौर्या भी सोच गया कि मैं तो छोटी मोटी नौकरी सर्विस कर ही रहा हूँ, मैं खुद नहीं पढ़ पाया तो क्या, अब मैं पढ़ाने लायक हुआ हूँ, कुछ अपने मेहनत करूँगा, कुछ सहयोग लेकर के और पढ़ाऊँगा तो शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। ज्योति के अनुनय विनय पर आग्रह पर मोहर लग गए आलोक मौर्या को, चलो ठीक है पढ़ाऊंगा, पढ़ावे लगलन। एक लाइन गीत लगल मास्टर, हो बलमुआ कमाल करिले मारी के मुसुकी निहाल करिले, ये हो बलमुआ हे हो बलमुआ कमाल करिले मारी के मुसुकी निहाल करिले, रउआ के चुमा राजा जी हो रहाल में, राजा जी हो रहाल में, जुलुफियाए बलम जी राउर, जुलुफियाए बलम जी राउर, गौड़े हमारा गाल में, जुलुफियाए बलम जी राउर। ए बाबू आलोक तैयार हो गए लन, तो कवि जी लिखत अड़न वादा के अपने पुरावे लगले, इलाहाबाद ज्योति के पढ़ावे लगले, वादा के अपने पुरावे लगले, इलाहाबाद ज्योति के पढ़ावे लगले, वादा के अपने पुरावे लगले, इलाहाबाद ज्योति के पढ़ावे लगले, मेहन चमक जैसे भैया चमक लानूर हो, अरे चमक लानूर हो, मेहन चमक जैसे भैया अरे चमक लानूर हो, अरे चमक लानूर हो, गोसैया गोसैया पूरा करे तोहार, सपना जरूर हो, गोसैया पूरा करे तोहार। आलोक मौर्या पढ़ाने लगा, इलाहाबाद जाकर के क्वार्टर लिया और SDM बनाने की तैयारी करने लगा, ISPCS की तैयारी कराने में ज्योति मौर्या को जुट गया आलोक मौर्या। अंतरा की लाइन में कहा ना बाप, ज्योति को पूरा भइले दिलावा के इच्छा, जुड़वा बेटी पैदा भैली, जुड़वा बेटी
गोसैया पूरा करिहे तोहार, गोसैया पूरा करिहे तोहार, सपना जरूर हो गोसैया पूरा करिहे तोहार। अए बाबू आलो तैयारी कराया, मालिक की इच्छा सफल हुआ। 2015 में ज्योति मौर्य पीसीएस की परीक्षा पास करती है, 16वें रैंक पर आती हैं, महिला में तीसरा रैंक था। लेकिन एगो और खुशी 15 में भइल का, दूगो जोड़वा बेटी पैदा भइलिन और पूरा गांव में खुशी बा। लेकिन एक साल के बाद 16 में एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बन गई ली, बिरहा में गीत बदल गई मास्टर। ई गीत बाप भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इहे गीत हीरो बनौले रहली सब। वो जमाना के गीत है, हीरो के पहले को बा। अरे बथेला कपार हमर टीस करी है या मोरे राजा, मोरे राजा तनी ले आईती दवाईया मोरे राजा जी। ओई में दिनेश लाल कॉल रहलन, 8 बजे टूटे रोजा तोहरी वो भैया मोरी रानी, मोरी रानी हो कहना पथी करी भैया मोरी रानी हो। लेकिन बिरहा में भाव कवि जी लिखता रंग बनलिए सडीएम सन सोरा की समैया पूरा गंगा में, पूरा गंगा अब बाटे आलो का मिठैया पूरा गंगा में। कहे आलोक ज्योति पर जानी भई हा, कुल के मारा यादा जानी हम के भुलाई हा। आईली बरेली मलिस से मितैया पूरा गंवा। ए बाबू ड्यूटी करत करत आ गईली बरेली में। अब बरेली में आईली तो होम गार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे से फेसबुक के जरिए मिसाई भई। कवि जी लिखत आड़न आईली बरेली भइल मनीष से मिसैया पूरा गंवा, पूरा गंवा अब बाटे आलो का मिठैया पूरा गंवा में। ए बाबू सनसो 2016 में एसडीएम बनती है, प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत रही। जब बरेली में आई तो जिला होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से फेसबुक के जरिए मित्रता हुई। कुछ दिन फेसबुके पर चलल, फोने से चलल, ओकरी बाद से मिले जुले लागल लोग। अब इतना भी लल जुलल लो कि वह लोग के भुलाए लगल ले। तेरी में भाव लिखे के पड़ल अरे सुहागन की, ए बाबू सुहागन की अमराई हिल
गई कि पतिता बनी कामिल पाके चित पराई अरे पराई अरे पराई। पतिता बनी कामिनी पाके प्रीत पराई सुहागन की अमराई रोहिल गई। ए बाबू अब पा गईली मनीष दुबे के आलोक के भुलाए लगली बिरह में धुन बदल गई मास्टर। कि कोरी कहतरिया सासु दैया जमावली अमीर तनावली जोरा नवा रोध हो काधा मन मोह। कि कोरी कहतरिया असासु दैया रे जमावली अमीर तनावली जोरा नवा रोध हो काधा मन मोह। पड़ल कि बसना के मद में अभुलाई गईली ज्योति आ लगली लुटावे आ जवानी वाली मोती। कि काटली मनी ससांग चनिया ज्योति हो भूल के पति वाला प्यार। ए बाबू जब मनीष दुबे के पा गईली आलोक के भुलाए लगली कि ज्योति के भाव पर आलोक सक कईले चुपके से ज्योति के आवास पर गईले। मनीष संग काटत रहली चनिया गोती हो भूली के पति वाला प्यार। ए बाबू हाव भाव देख के लोग पहचान गया है। लगता है कि अब काम गड़बड़ है। सख्त तो पहले भी हुआ था लेकिन आ लोग सोचा कि हमारी पत्नी बड़े पद पर है बड़े लोगों का फोन आता होगा बड़े लोगों से बात करनी होती होगी तो इसलिए मेरा सख्त जायज नहीं हो सकता। लेकिन जब परवान एकदम चढ़ गई एक दिन पहुंचल सोचलस कि हो न हो कोई गुल खिलावतिया बुझाता भाव कौन देतिया एकर पता लगावे के पड़ी जोड़ी से। एक दिन सरकारी आवास पर चुपके से बिना बतौले जा तड़न तो देखलन तो मनीष दुबे आ ज्योति अरे एकदम अपन भीड़ के जवन हो कि आलोक देखा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं आकर के बाहर बैठ गया सोच रहा है आखिर हमारे साथ ये क्या कर दी मैंने क्या सपना सजाया था मेरे साथ हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बैठा है बाबू। विदेशिया में एक ठे लाइन लिखे पड़ ज्योति का करतूत आया लोक जब देखले हो पाव तले से खिस के अलग ली जमनिया सपना सजवनी जेकर आ कष्ट उठवली तन पर उहे आज ज्योति निगैली का सबनिया ज्योति के डांटे सा मुझावे जब लगले हो ज्योति फुफुकारे बनके काली रे नागिनिया। कि पद के जुनून में डांट डांट कहे लगली हो आ बोतलब संग जाई जिंदगनिया
ए बाबू जब रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया आलोक मौर्या मनीष दुबे और ज्योति को समझावे लगल कि ठीक काम नहीं क्यों करत तोहरा खातिर हम कितना मेहनत से तोहके पढ़ौली लिखौली हमारी नौकरी के पैसा से तोहर खर्चा पूर्ति ना होत रहल बाबूजी से मंगली बाबूओ जी से पूरा ना भइल तो साथी संगतिया चाहे अपनी अधिकारी से पैसा लेके तोहके पढ़ौली आज जू तो जवन तू करत हो ठीक नहीं खूब करत ज्योति अब तो बड़ा पद पर है सुनलस बहु खला गल कलस के सुन देखल पार लगे तो देख आ नहीं तो यहाँ से चलता बन अगर ढेर फड़फड़ब कि ना तो दुनो से जैब धन धर्म तो कहबे कल जनऊ से जैब ए बाबू जबे तनी बात आलोक मौर्या सुनले हो कलेजवा फाट के बाबू बहरा होके लगल जेकरा खातिर ए बाबू हम इतना मेहनत कैली मेहनत कई के कैसे अपहू भूखे रहली फटहा कपड़ा पहनली लेकिन एक कबो महसूस ना होके दिली एक कबो टेंशन ना जाए के करी पढ़ाई पर बाधा पड़ी लेकिन आज पद के पाके ये हमारे इतना अवहेलना कैलस शर्म से डूब रहा है एक लाइन गीत लगल मास्टर अरे के करा हीरो वाले अरे गंगा रे बढ़िया ये बाबू के करा हीरो वाले जामुनावा हो भेजला के रोवे बारा हो मा ही नवा हो के करा ही रोवाले बिरहा में भाव कवि जी लिखतारन यार के प्यार में सुहाग के भूला पहुंची है थाना मजार हो बतवाली सात मई के कैली ये भाई यार हो बाबू आलोक समझावे लगल तो उल्टा का माथा हो गए डांट करके बोली कि भाग जाओ यहां से नहीं तो जान भी गंवाना पड़ेगा अच्छा आलोक वहां से हटल बा ई पहुंचली कहां थाने में जाकर रिपोर्ट लगावतिया
दहेज उत्पीड़न। आलोक और इसके परिवार वाले हमसे आज 10 साल से 30 लाख रुपया और एक सुंदर मकान की मांग कर रहे हैं। मैं ज्योति मौर्या से पूछना चाहता हूं कि जब वह आलोक हॉस्टल में तुम्हारा सब खर्चा चला रहा था तब तुम्हारा यार कहां था, और आज तुम दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही हो जिसे आलोक पर 10 वर्ष में आज तक तुमने FIR करने का मौका नहीं पाया। जब आज तुम्हारा काला चिट्ठा पूरा देश विदेश के सामने आ गया तो तुम आज झूठा आरोप लगा रही हो। कई तरह का आरोप आई, कहीं कहीं तो मीडिया वाला ही हो बतावतड़न कि कहत बा फर्जी कार्ड भी छपौले बा, कहते कि हमसे झूठ बोल के शादी कैल को आलो या सफाई कर्मी है और कार्ड पर छपवाया था ग्राम विकास अधिकारी मैंने सिगरेटरी, लेकिन यह सब झूठा है, एक भी तथ्य सही नहीं है। मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं ज्योति और उसके परिवार वाले। कहना बा जेकरे बदौलत पद पीसीएस के पावाले, वो ही कैली तिरस्कार हो, कैसे भरोसा पति करी है पत्नी पर, कैसे भरोसा पति करी है पत्नी पर, बाटे सवाल बरियार हो, ए बाबू अगर इसी तरह से सभी नारियां करती रहीं तो पति पत्नी के ऊपर क्या विश्वास करेगा। आ पहपट का लाइन लगल मास्टर, अरे झंखे आलोक, झंखे आलोक नारी की देखर सवाई धर्म की धरती पर, आ दूर हो गईली आपन खुद परछाई धर्म की धरती पर, ए बाबू जब ज्योति के कारनामे से आलोक दुखी हुआ तो पहुंचा है कि बद चलन ज्योति के ऊपर आ कैलन FIR हो, आ DM SP थानेदार से आ जाकर किया गुहार हो, अरे पाँव पकड़ के रोवे आस बहाई धर्म की धरती पर, चाहिए हमरा के दिलाई धर्म की धरती पर। ए बाबू आलोक पहुंचाए थाने में जाकर के DMSP कलेक्टर थाने, कोई थाना नहीं छोड़ा, और जहां जाऊं वो समझा अपने आप को सुरक्षित वहां वहां गया, कहा कि हमको मारने की धमकी मिल रही है, ज्योति के खिलाफ जाकर के थाने में FIR लिखवाया।
और डीएम थानेदार एसपी सबसे हाथ जोड़ करके रो रो करके पांव पकड़ कर गुहार कर रहा है कि सरकार हमें न्याय दिलाइए। आल्हा में लाइन लगल मास्टर। जवन देशवा में नारी अरे देवी बनी पूजैली बाबू आलोक मौर्या होमगार्ड जिला अधिकारी के पास गया, जाकर के शिकायत दर्ज कराया कि मनीष दुबे हमारी पत्नी को बहला फुसला करके अपने जाल में फंसाया है, उसके साथ अब संबंध बना रहा है, उसका फेयर चक्कर है।
डीआईजी साहब ने उसकी गुहार सुनी और जांच के लिए एक टीम बैठाए। धीरे धीरे यह खबर मीडिया वालों में पहुंची, तब तो पत्रकार भाइयों ने आलोक से मिलना शुरू कर दिए, और जब मिलना जुलना शुरू कर दिए तो यह देश, यह खबर पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, पूरे विश्व में फैलने लगी आग की तरह। ज्योति मौर्या मीडिया के सामने नहीं आ रही है, आ भी रही है तो उल्टा सीधा बयान, उसका कोई ठोस सबूत न हो, ऐसा बयानबाजी दे रही है। इधर आलोक मीडिया वालों से रो रो करके अपनी मजबूरी बता रहा है कि मैं कितनी मजबूरी में था और अपना पेट काट काट करके अपने पत्नी को पढ़ाया कि हमारी पत्नी अगर पद पा जाएगी तो मेरा दिन वापस लौट जाएगा, लेकिन इसने तो हमारा सारा सपना ही बेकार कर दिया। ए बाबू, मीडिया वाला के खबर गई, मीडिया वाला लोग पूछा तड़म बतियावा तड़म, अब तो एक थे मीडिया वाला में यो खबर आई हो, जौन कोचिंग सेंटर, जौन कोचिंग सेंटर में ज्योति तैयारी की थी, वह कोचिंग सेंटर वाला आलोक मौर्या को कह रहा है कि मैं तुमको निःशुल्क तैयारी कराऊंगा, तुम आकर के तैयारी करो, और तुम यह एसडीएम बनी है, तुम सीधे आईएएस की तैयारी करो। खैर, कितना सही है कितना झूठ है, रोज कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन कवि जी खड़ी की लाइन में एगो बड़ा बढ़िया बात लिखत रहन। अरे चुभे दिल में काट, ए बाबू चुभे दिल में काट, ओ फूलवारी ना चाही, तर रहा जीवन भर कुंवार ज्योति जस नारी ना चाही। पति वाला धर्म करम आया लोक निभवले, आ पति त पति त नारी दुनिया में पावले, अरे शिक्षित हो आया न पढ़, ए बाबू शिक्षित हो आया न पढ़, अरे व्यभिचारी ना चाही, जिंदगी भर कुंवार ज्योति जस नारी ना चाही। अब पहुंचल बा मामला जोगी के सज्ञान हो, आ कैसन दिन आय चाहे एक जाने भगवान हो, आरी और नारी, अरे आरी और नारी दो धारी ना चाही, रही जिंदगी भर कुंवार ज्योति जस नारी ना चाही। आखिरी लाइन में गुरु बिहारी गुरु गणेश विश्वास का उठा जनाजा, राम लाल गुरु बच्चन फैसला का बटे तका जा, अरे सुहागन की अमराई हिल गई, अरे सुहागन की अमराई हिल गई, कि साहब अक्षय कुमार के रथिया पर जा।